दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार से गर्मी के तेवर और तीखे होने वाले हैं। आईएमडी के अनुसार शुक्रवार से रविवार तक दिल्ली में लू चलेगी। इस दौरान मौसम साफ रहेगा और तेज धूप निकलेगी, जिससे अधिकतम तापमान 44 डिग्री तक पहुंच जाएगा। यही वजह है कि लू की स्थिति बन रही है और मौसम विभाग ने इसी स्थिति को देखते हुए शुक्रवार और शनिवार के लिए येलो अलर्ट तो रविवार के लिए भीषण गर्मी का और लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। आईएमडी के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से दिल्ली एनसीआर के मौसम में 16 मई से बदलाव होगा। इस दौरान आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे और बूंदाबांदी भी हो सकती है। इससे तापमान में गिरावट होने के साथ ही लू के प्रकोप से राहत मिलेगी और गर्मी भी थोड़ी कम रहेगी। इससे पहले गुरुवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा 42.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं दिल्ली में आज यानी शुक्रवार को अधिकतम तापमान 44 और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है और लू भी चलेगी। वहीं नोएडा में आज अधिकतम तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 35.1 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मौसम साफ रहेगा और यहाँ भी तेज धूप निकलेगी। गुरुग्राम की बात की जाए तो गुरुग्राम में आज अधिकतम तापमान 44 और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है और यहाँ भी आसमान साफ बना रहेगा। वहीं दिल्ली के प्रदूषण की बात की जाए तो दिल्ली का AQI आज मध्यम श्रेणी में रिकॉर्ड हुआ है और 166 रिकॉर्ड हुआ है। वहीं नोएडा का AQI 173 जबकि गुरुग्राम का 162 रिकॉर्ड किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।